फैमिली होम कॉस्ट हमारे शो पे हमारे साथ इस वक्त महनाज बेगम है, शगुफ्ता जैदी है, मुंतजर अब्बास जैदी हैं और दो दोस्त जो है वो आज यहाँ पर आए हुए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सच में, और आप तो फिर जिंदगी से वाकिफ होंगी, महनाज आपा की भी जिंदगी से वाकिफ होंगी, सारी जिंदगी इन्होंने कहा है ना कि इन्होंने हमेशा दूसरों के लिए काम किया, तो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करती रही सारी जिंदगी। अच्छा, फिल्म हमारी खत्म हो गई, अपनी बनती, अब आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुई है, कोई उम्मीद नजर आ रही है बन जाएगी, हो जाएगी? आप सच्ची बात करनी है क्या, कोई उम्मीद नजर आ रही है फिल्में बन जाएंगी दोबारा? फिल्में मतलब मैंने एक आध देखी थी सैयद नूर साहब की, वो मुझे अच्छी लगी थी, चूड़ियां थी, पता नहीं क्या था वो, तो उसमें मुझे चेंज नजर आया बहुत, और खूबसूरत हमारे जो हम लोग जो वो है कल्चर है वो साफ नजर आ रहा था, बहुत अच्छा। और बाकी तो फिर मैंने देखा ही नहीं, ना म्यूजिक सुन रही हूँ मैं, ना गाना गा रही हूँ। अच्छा, जब आप फिल्मों में गाती थी जी, तो सबसे हैंडसम हीरो कौन था उसका, सबसे हैंडसम जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? अगर आप उठा के देखा होता तो शादी ना हो जाती। शाहिद साहब अच्छे थे, शाहिद साहब अच्छे, नदीम साहब हमारे, और बहुत वही मुराद साहब, वही साहब तो बहुत हमारे मेरे से पहले के थे, पहले। बहुत उनसे गुफ्तगू तो मेरी हुई मुलाकात, बड़ी बहुत अच्छे इंसान थे वो और बहुत डिसेंट, और बहुत म्यूजिक से बहुत उनको लगाव था। कहते हैं कि वही मुराद से अच्छे गाने कोई भी पिक्चराइज नहीं करवा सकते, वो टेम्पो को बड़ा अच्छा जानते थे बहुत, और बहुत निहायत पढ़े लिखे और बाजौ भारी। अच्छा, जो हीरोइंस थी उस जमाने में, रानी जी से लेकर शबनम जी तक, शबनम जी से लेकर जेबा जी तक, जो जितने भी लोग थे, सबसे अच्छा आपके गानों को पिक्चराइज कौन करता था, आपकी आवाज किस हीरोइन पर सबसे अच्छी लगती? मेरे गीत एक वक्त में तो शबनम भाभी ने बहुत अच्छे पिक्चराइज किए, रोबन साहब के गाने में बहुत गाती थी, मगर फिर बाद में बाबरा शरीफ साहबा ने बड़े अच्छे, खासतौर से सलाखें फिल्म के गाने उन्होंने बड़े अच्छे गाए। क्या बात, बड़े अच्छे पिक्चराइज। सलाखों पे आपको अवार्ड भी मिला था ना? मुझे उस पर 7 अवार्ड दिया, 7 अवार्ड। तेरे मेरे प्यार का ये गाना था, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा ना चाहे देख के तेरी सूरत दिल को चैना था, अब आप ही का एक गाना था छाप तिलक सब छीन ली, आपने कहा था बातें करेंगे, अभी करते हैं बस इसके बाद। छाप तिलक सब छीन ली मुझे नैना, छाप तिलक सब छीन ली मुझे नैना, अधम कहे मुझे नैना, आज मुझे नैना, देखो जी मुझे नैना, मिलाई के छाप तिलक सब छीन ली मुझे नैना, मिलाई के खुसरो निजाम के बल बल जाए, बल बल जाए। मारकर तो बंदा मर जाता है, लोड शेडिंग तो बंदा मरता भी नहीं। आई थिंक
यहाँ आने के लिए मैं तैयार हो रही जल्द आज चली गई। मैंने कहा अल्लाह।